हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गोविंद यादव, योर मैथमेटिक्स टीचर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो आज हम जानेंगे कि फोर डिजिट जो नंबर हैं, फोर डिजिट नंबर और फाइव डिजिट नंबर की एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट उनको कैसे करते हैं। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर की जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, आपने वो पढ़ा होगा। तो हम कैसे करते थे, अगर हमारे पास टू डिजिट नंबर के दो नंबर हैं, जैसे एक वन फॉर एग्जांपल एक हो गया हमारे पास 22 एंड सेकंड हमारे पास क्या हो गया 23। सो इनको हमें ऐड करना है, ऐड करते थे तो 22 और 23 को अगर ऐड करना है तो ये क्या है हमारा वंस है, ये क्या हमारा टेंस, ठीक है टेंस। सो इनको जब हम ऐड करते थे तो पहले सबसे पहले वंस वंस की जो डिजिट है दो, उनको हम ऐड करते थे। टू और थ्री क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर फाइव, फिर हमारा क्या आता था टू और टू क्या होता है फोर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको ऐड करते थे। अब हमारे पास एडिशन करना है हमें फोर डिजिट नंबर का, किनका करना है फोर डिजिट नंबर का। सो सबसे पहले एडिशन में, एडिशन दो तरीके से होता है, टू टाइप होती है एडिशन में, एडिशन एडिशन में टू टाइप होती है। वो कौन सी होती है, सबसे पहली होती है एडिशन विद आउट रीग्रुपिंग, एडिशन विद आउट विदाउट रीग्रुपिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो विदाउट रीग्रुपिंग, सो विदाउट रीग्रुपिंग क्या होता है ये मैं देखो आज आपको क्लियर करता हूँ। विदाउट रीग्रुपिंग क्या होता है, वो एडिशन जिनमें कैरी का यूज नहीं होता, जिनमें कैरी का यूज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले जो एडिशन किया था 22 और 23 का, तो यहाँ पर कोई भी कैरी हमारी यूज नहीं हुई, तो ये क्या है विदाउट रीग्रुपिंग है, क्या है विदाउट रीग्रुपिंग। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर ले लिया, एक ले लिया 1340 एंड सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया 5658, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है विद आउट रीग्रुपिंग, हमें इनको क्या करना है ऐड करना है। सो चलो करते हैं, ये कर दिया हमने 1340 और ऐड करते हैं 5658, तो सबसे राइट साइड में हमारे पास क्या हो गया वंस हो गया, ये क्या है हमारे पास टेन है, फिर क्या है हमारे पास हंड्रेड है, और ये फिर क्या है हमारे पास थाउजेंड है, क्या है थाउजेंड है। तो कैसे ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वंस की जो डिजिट है उनको ऐड करते हैं, एट और जीरो क्या हो गया एट हो गया। स्टेप सेकेंड में हमें क्या करना है, टेंस की डिजिट को ऐड करना है, फाइव और फोर क्या हो गया नाइन हो गया। फिर क्या करना है हमें हंड्रेड की डिजिट को ऐड करना है, सिक्स और थ्री क्या हो गया नाइन हो गया। और फिर क्या करना है हमें थाउजेंड की डिजिट्स को क्या करना है ऐड करना है, फाइव और वन कितना हो गया सिक्स हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया इन दो नंबर का एडिशन हो गया विद आउट रीग्रुपिंग, इसमें कोई भी कैरी यूज नहीं हो रही, सो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे विद एडिशन विद आउट रीग्रुपिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है एडिशन, एडिशन विद रीग्रुपिंग, एडिशन विद रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग के साथ हमें एडिशन करना है, तो रीग्रुपिंग के साथ एडिशन करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारी कैरी यूज होगी, जो वंस के डिजिट का हम एडिशन करेंगे तो उसमें से जो हमारे पास कैरी होगी वो टेंस के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर दे रखा है 7254 एंड 6263 एंड 7948, जैसे ये थ्री नंबर हमसे गिवन दे दिए हैं, इनको हमें क्या करना है एडिशन करना है विद रीग्रुपिंग। तो डियर स्टूडेंट्स चलो इनको ऐड करते हैं, हमने लिख लिया 7254, फिर कर लिए नेक्स्ट नंबर क्या है 6263, फिर क्या है 7948, ये क्या है हमारा वंस है, ये क्या है हमारा टेन है, ये क्या है हंड्रेड है, और ये क्या है थाउजेंड है, ठीक है।
तो इनको विद रीग्रुपिंग में ऐड करना है। ऐड करते हैं हम, तो सबसे पहले वंस की जितनी भी डिजिट है इनको ऐड करेंगे। क्या क्या हो गया हमारे पास, 8 और 4 12 और 3, क्या हो गया 15 हो गया, क्या हो गया 15, तो 15 15 हो गया। तो स्टेप फर्स्ट में क्या था, जो हमारे पास 15 आया है, 15 में 5 तो लिखेंगे वंस की जगह पर, और 1 जो कैरी हो गई वो कहाँ पर हो जाएगी, टेंस पर चली जाएगी। ठीक है, सो फिर अब टेंस को हमें ऐड करना है। टेंस को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15 और 1 16, 16 का 6 यहाँ पर और 1 कैरी ऊपर, ठीक है 100 पे चली जाएगी, ये 100 में ऐड हो जाएगी। अब हमें फिर से ऐड करना है 100 को, 9 प्लस 2 11 प्लस 2 13 और 1 14, 14 का 4 और 14 की 1 जो कैरी है वो 1000 पे चली जाएगी। अभी क्या करना है हमें, इनको ऐड करना है 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सेकंड हमारे पास क्या है, दो नंबर गिवन है हमारे पास, 1752 एंड 9089। ठीक है, सो ये दो नंबर हमारे पास गिवन है। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, इनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो इसी तरीके से पहले इन दोनों नंबरों को लिखना है, 1752 एंड 9089। ये क्या हो गया हमारा वंस हो गया, ये क्या है हमारा टेंस हो गया, ये 100 हो गया और ये 10000 हो गया। ठीक है, तो इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या है, 9 और 1 की डिजिट को ऐड करना है। 9 और 2 क्या हो गया, 11 हो गया, 11 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और कैरी हमारी ओवर टेंस पे चले जाएगी। ठीक है, सो अब क्या करना है, इनको ऐड, टेंस को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 8 और 5 कितने, 8 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए, और 1 14, 14 का 4 यहाँ पर कैरी ऊपर 100 पर, 7 यहाँ पर 0 है, 7 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगी, 7 आएगा, प्लस 1 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। सो इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम एक एग्जांपल थर्ड और देखेंगे, जिसमें हम एक लार्ज नंबर्स को ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर गिवन है 6238 4, 6238 4, और सेकंड है हमारे पास 2357 9। ठीक है, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 6238 4 और फिर इसके नीचे 2357 9। ये हमारे क्या हो गया, वंस हो गया, ये क्या हमारा हो गया, 10 हो गया, ये 100, ये 1000 और ये क्या हो गया, 10000। ठीक है, सो इनको हमें ऐड करना है। ऐड करते हैं तो 9, और सबसे पहले वंस की डिजिट को हम ऐड करेंगे, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 का 3 हमें यहाँ पर लिखना है, और वंस और जो इसकी जो 1 कैरी है वो ऊपर चली जाएगी टेंस पर। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, 8 और 7 15 हो गए, 1 क्या हो गया, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 16 का 6 यहाँ पर आ गया और 1 कैरी ऊपर चली जाएगी। अभी कितना है, 5 4 3 8, 8 और 1 9 हो गया, अभी 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें लार्ज नंबर को ऐड करना है। सो अब नेक्स्ट जो टाइप आती है वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी फॉर ऑफ एडिशन क्या कहती है, डेट इज नंबर कैन बी एडिड इन एनी
ऑर्डर, नंबर कैन बी एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन सेम। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि द नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर, कोई भी हमारे पास दो नंबर हैं या तीन नंबर हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में हम अगर ऐड करते हैं तो उनका सम है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर ले लिए, फर्स्ट इज 42 एंड सेकंड इज 52, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर हो गए। तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट ऑर्डर में ऐड करते हैं, सबसे पहले 42 को हम ऊपर लेते हैं और 52 को नीचे। तो इनको ऐड किया, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 94 इसका आंसर आया। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, 52 को अगर हम ऊपर लेते हैं और 42 को नीचे लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 5 और 4 कितना हो गया 9। तो इनका जो रिजल्ट आया है वो सेम आया है। अगर हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो हमेशा एक ही रहेगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है एस्टिमेटिंग दी सम। क्या आती है? एस्टिमेटिंग दी सम, एस्टिमेटिंग दी सम क्या है? एस्टिमेटिंग दी सम क्या कह रहा है कि दी राउंड ऑफ दी नंबर, राउंड ऑफ दी नंबर टू एस्टिमेट, टू एस्टिमेट देयर सम, देयर सम, दिस विल गिव्स ए रफ आइडिया, रफ आइडिया ऑफ दी सम। सो डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है एस्टिमेटिंग दी सम कि राउंड ऑफ दी नंबर, पहले सबसे पहले राउंड ऑफ करना है उन नंबर का, और फिर एस्टिमेट करके उनका जो सम आएगा वो क्या होता है, हमारे पास एक रफ आइडिया आ जाता है उस सम का, एक रफ आइडिया आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, फर्स्ट इज 486 एंड सेकंड इज 124, ये हमारे पास दो नंबर है, इनका सबसे पहले हमें राउंड ऑफ करना है और फिर इनका क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो 486 का राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 अगर इसका राउंड ऑफ करेंगे, तो मैंने पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था नियरेस्ट 10 के अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो जो सबसे वंस डिजिट है पहले उसको देखते हैं। वंस डिजिट हमने देखी ये क्या है, 6 है, जो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो हमें वंस की जगह पर तो जीरो रिप्लेस कर देना है, वंस की जगह जीरो रिप्लेस कर दिया, और जो टेंस है उसमें वन ऐड कर देना है, वन ऐड कर दिया, एट और वन हो गया 9 हो गया, और एक यहाँ पर एट इट इज। सो ये इसका राउंड ऑफ हो गया 419, ठीक है, इसका राउंड ऑफ हो गया 419। अब हमें किसका राउंड ऑफ करना है, 124 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इसका क्या करना है, हमें नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। सो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, तो जब नियरेस्ट 100 हमें राउंड ऑफ करना है, तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले टेंस की जो वैल्यू है वो हमें देखनी है 2 से छोटी है या बड़ी है, 2 से 2 क्या है, 5 से छोटा है। सो यहाँ पर रिप्लेस कर देना है हमें वंस की जगह पर 0 और टेंस की जगह पर भी 0 और 1 एट इट इज। तो ये इसका क्या हो गया, राउंड ऑफ कर देना हो गया। अब इन दोनों के राउंड ऑफ को हमें सम कर देना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 490, और यहाँ पर क्या आ गया 100, जो इनका राउंड ऑफ कर इनको सम करेंगे तो क्या हुआ, वंस की डिजिट को ऐड करेंगे 0, टेंस की 9, और 4 और 1 क्या हो गया 5। सो जो ये इसका रफ जो आइडिया आ गया है हमारे पास सम का, कि 486 प्लस 124 को अगर हम ऐड करेंगे तो नियरेस्ट जो हमारी वैल्यू आएगी वो 519 आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हमें इनको ऐड करना है।
इसी में हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल टू, हमारे पास दो नंबर गिवन है, 315 प्लस क्या करना है 425। सो इनको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले हमें इनका राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड, नियरेस्ट हंड्रेड राउंड ऑफ करना पड़ेगा दोनों नंबर्स का। सो सबसे पहले 315 का अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5 क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें टेंस की वैल्यू देखनी है, टेंस की वैल्यू क्या है 1 है, जो 5 से हमारे पास छोटी है, 1 से क्या है छोटी है, तो हमें 1s और 10 के पास रिप्लेस कर देना है 0 0। सो किसका राउंड ऑफ क्या हो गया 300। अब हमारे पास क्या है 425, इसको देखा टेंस की वैल्यू देखी हमें कितना आया 2 है, 2 किससे छोटा है 5 से छोटा है, सो इसके 1s और 10 की जो वैल्यू है हमें रिप्लेस कर देनी है 0 पर। सो क्या इसका राउंड ऑफ क्या आ गया 400, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे 300 प्लस 400, तो हमारे पास क्या आएगा 0 में 0 ऐड की 0, यहाँ पर 0 और ये कितना आ गया 7। सो इस तरीके से हमें राउंड ऑफ करके इनका ऐड करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, एडिशन में हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एडिंग होरिजेंटली, ठीक है। सो एडिंग होरिजेंटली क्या होता है कि होरिजेंटल में हमें इनको ऐड करना है, जैसे हमारे पास टू नंबर गिवन है 342 एंड 453। सो इनको अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे इनको हम ऐड करेंगे, तो 342 प्लस 453। तो स्टेप फर्स्ट हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया ऐड दी वंस। अगर इनके वंस कौन सा, इसका ये है, इसका क्या है ये है, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड किया, 2 और 3 को हमने ऐड किया तो कितना आया हमारे पास 5, ठीक है। अब स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास, स्टेप सेकंड कहता है ऐड दी टेंस। सो इनका टेंस क्या हो गया, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 4 और 5 क्या हो गया 9, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है हमारे पास, इसमें स्टेप 3 है ऐड दी हंड्रेड। सो इसमें इस नंबर में हंड्रेड कौन सा है 3 है, इसमें क्या है 4 है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया 342 प्लस 553 इक्वल टू क्या आ गया 795। सो इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है, वो आती है सबट्रैक्शन की। किसकी आती है सबट्रैक्शन की। तो सबट्रैक्शन में क्या करना है, सबसे पहले वही विदाउट रीग्रुपिंग। सो विदाउट रीग्रुपिंग में मैंने क्या बताया था कि इसमें कैरी का यूज नहीं होता। तो हमारे पास जैसे दो नंबर्स हैं, फर्स्ट क्या है कि सबट्रैक्ट 374 फ्रॉम 3074 फ्रॉम 5689, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सबट्रैक्ट करना है 3074 को किस में से, फ्रॉम 5689 में से। और वैसे भी अगर इस सबट्रैक्ट अगर हमें करना है तो उसमें एक रूल आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, लार्ज नंबर होता है, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, किस ऊपर लिखते हैं। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 5689, छोटा कौन सा है 3074। तो ये हो गया वंस, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया हंड्रेड, ये हो गया 10, ये क्या हो गया हमारे पास 1000, ठीक है। सो इसको अब सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने के लिए पहले वंस डिजिट को सबट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 4 गए, 5 आ गए,
अब टेंस टेंस को सेवन एट में से सेवन का वन आ गया, अब यहाँ पर सिक्स में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिक्स आ गया, और फाइव में से थ्री करेंगे तो टू आ गया। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास आता है कि सब्ट्रैक्ट विद रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्ट विद रीग्रुपिंग। तो मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्ट विद रीग्रुपिंग कि इसमें हमारे पास कैरी यूज होगी, क्या होगी कैरी यूज होगी। तो इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8623 एंड 4274। सो डियर गाइस, मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं छोटे वाले को लिखते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा लार्ज नंबर कौन सा है, 8623, और फिर हमारे पास क्या है 4247। ये हमारा क्या हो गया वंस, ये क्या हमारा हो गया टेन, ये क्या हो गया हमारा हंड्रेड, ये क्या हो गया हमारा थाउजेंड। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है विद रीग्रुपिंग, मतलब इसमें कैरी का यूज होगा। सो सबसे पहले देखो वंस में देखो यहाँ पर क्या है थ्री है, यहाँ पर क्या है सेवन है, तो थ्री में से सेवन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें एक कैरी लेनी पड़ेगी। कैरी कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर कैरी ली तो यहाँ पर कितना हो गया थर्टीन हो गया, थर्टीन में से सेवन गए क्या आ गया सिक्स आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर यहाँ से कैरी ली थी तो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर, कितना बच गया वन बच गया, कितना बच गया वन। अब वन में से फोर सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो हमारे पास सिक्स, सिक्स में से कैरी लेनी पड़ेगी, सिक्स में से कैरी ली तो यहाँ पर कितना आ गया इलेवन, इलेवन में से फोर गए कितने बचे सेवन, ठीक है। अभी यहाँ पर एक कैरी ली थी तो यहाँ पर कितना बच गया फाइव, फाइव में से टू गई थ्री और एट में से फोर गई फोर। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टाइप है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, क्या है एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। सो एस्टिमेट वही करना है हमें, राउंड ऑफ लेना है दो नंबर्स का, अलग अलग राउंड ऑफ करना है और फिर उनको आपस में उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फोर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 516 एंड सेकंड हमारे पास एक नंबर है 197। तो इनका राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड, राउंड ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड। तो 500 सबसे पहले 516 का राउंड ऑफ करेंगे, तो टेंस की जो वैल्यू है वो देखना है, टेंस की वैल्यू क्या है वन है, जो लेस देन फाइव से है, लेस देन फाइव से है। तो क्या मैंने क्या बताया था कि टेंस और वंस की जगह पर जीरो रिप्लेस कर देना है, सो जीरो रिप्लेस कर दिया हमने। अब वन हंड्रेड नाइनटीन सेवन, अब इसको क्या करना है वही हमें क्या देखना है, इसको क्या देखना है, टेंस की वैल्यू देखनी है जो फाइव से बड़ी है, क्या है फाइव से बड़ी है, ग्रेटर देन है। तो क्या बताया था मैंने कि वंस की जगह पर जीरो रिप्लेस कर देना है, टेन की जगह पर जीरो रिप्लेस कर देना है, पर जो हंड्रेड है उसमें वन ऐड कर देना है। तो वन में वन ऐड किया टू आ गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस करना है हमें, 500 और 200 का डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या आ गया 300। तो इस तरीके से हमें एस्टिमेटिंग द डिफरेंस करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट टाइप बची गई है इसमें, वो है एडिशन, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर कि अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करने पड़ेंगे। पहले तो हमें अलग अलग किया था, अब हमें क्या करने पड़ेंगे, एक साथ करने पड़ेंगे। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि इसको किस तरीके से हमें करना है। तो एक एग्जांपल है शो 437 प्लस 1542
माइनस 1398। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले देखो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का निशान है। सो सबसे हमें प्लस करना है, प्लस करेंगे पहले 1542 को लिखेंगे, फिर उसके नीचे 437 को ऐड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पहले सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हो गया। सो इनको ऐड करेंगे तो 702 का आ गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 4, और 3 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका एडिशन। अब क्या बच गया हमारे पास स्टेप सेकंड में, सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टेप सेकंड में, सो सबसे पहले इनमें से जो ग्रेटर नंबर हैं, ग्रेटर जो है वो इनको लिखना है। सबसे पहले 1979 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1398। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 8 गए 1, तो अभी नेक्स्ट जो टेंस में है यहाँ पर 7 या 9 है, तो 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे। अगर हमें यहाँ से कैरी ली तो यहाँ पर कितना हो गया 17, 17 में से 9 गए, वहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। अब यहाँ से कैरी हमने ले ली थी तो यहाँ पर कितना बचा 8, 8 में से 3 गए 5 और 1 में से 1 गए 0। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनको एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट को टुगेदर करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर जो सेकंड था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके जो होम असाइनमेंट हैं, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा। सो सब तक के लिए जय हिंद, आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो लेके आऊँगा।